अस्सलाम वालेकुम क्लास 7, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। ऑनलाइन क्लास उर्दू के सिलसिले में आपकी पहली क्लास जो इंट्रो क्लास थी और जिसमें मैंने किताब का तारुफ दिया था आपको, आज हमारी इस सिलसिले की दूसरी क्लास है और मैंने आपको मिड टर्म का सिलेबस भी दिखाया था। तो चलते हैं हम सबसे पहले चैप्टर की तरफ जो कि एक नज़म है और हम भी। अल्लाह ताला की ज़ात के बाबरकात ही तमाम तारीफों के लायक है क्योंकि उसी वही हमारा खालिक है, उसी ने पूरी कायनात को खल्क किया है। जरा स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें अल्लाह ताला की कुछ सिफात हैं और सूरह रहमान का हवाला है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? अल्लाह ताला इतना शफीक, इतना रहीम है, उसने हमें इतनी बेशुमार उसके हम पर एहसानात हैं कि हम जितना शुक्र करें कम है। आइए कुछ सिफात देखते हैं अल्लाह ताला की। रहमान, रहम करने वाला, रहीम मेहरबान, अल खालिको पैदा करने वाला, अर रज़ाक रिस्क देने वाला, अल गफूर बख्शने वाला। अल्लाह ताला की बेशुमार सिफात हैं कि अगर हम शुमार भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। और अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, नज़र डालते हैं तो हमें अल्लाह ताला के एहसानात देखते हैं तो हमारी अकल दंग रह जाती है कि अल्लाह ताला ने हम पर इतने एहसानात, इतनी नेमतें नाज़िल की हैं कि जिनका कोई शुमार नहीं। और अगर हम अल्लाह ताला की इस हम में अल्लाह ताला ने बहुत सी मखलूक़ात का जिक्र किया है इंसानों के साथ साथ। चलिए अब हम कुछ के कुछ अहम अल्फाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। फलक, नज़ारे, शबनम, दश्त, खालिक और जर्रा। आइए जरा हम पढ़ते हैं और उसके अशार की तशरीह समझने की कोशिश करते हैं। खुदाई के मालिक, दो आलम के मौला, तेरी जात आली, तेरी शान यकता, तेरा जिक्र बाला, तेरा हुस्न आला, सिफत तेरी रब तब्बे तबारक ताला। शायर इस हम में अल्लाह ताला की हमदो सना बयान करते हुए कह रहा है कि अल्लाह ताला ही पूरे कायनात यानी दो आलम यानी जमीन व आसमान और कायनात में जितनी भी मखलूकात अल्लाह ताला ने तख्लीक की हैं उन सबका वाहिद और यकता मालिक है। उसकी ज़ात तमाम तारीफों से बालातर है, वो अपनी सिफात कामला में यकता है, वाहिद है। और उस जैसी अगर हम उसकी तारीफ बयान करना भी चाहें तो हम उसका सही हक अदा नहीं कर सकते। सिफत तेरी रब तबारक ताला यानी अल्लाह ताला की इतनी सिफात है कि हम अगर गिनना भी चाहें तो नहीं गिन सकते। और जितनी भी मखलूकात दुनिया में हम देखते हैं, जितने नज़ारे देखते हैं हसीन जमीन और आसमान में, ये सब उसके वजूद की गवाही देते नजर आते हैं। तेरा नूर जलवा फिगन चांदनी में, सितारों में खुर्शीद की रोशनी में, जमी का हसीन फर्श तूने बनाया, सुकून बख्श आलम ये सब्जा उगाया। क्या कह रहा शायर इसमें? शायर इसमें कह रहा है कि अल्लाह ताला ने जमीन के साथ साथ इस आसमान को भी खूबसूरत तारों और सूरज और चांद सितारों से सजाया है और हर जलवे में उसका नूर नजर आता है। सितारों में खुर्शीद की रोशनी में, अगर हम सूरज को देखें, चांद को देखें, सितारों को देखें तो हर रोशनी में अल्लाह ही का नूर नजर आता है। उसके साथ साथ वो जमीन जैसी नेमत का भी जिक्र कर रहा है कि अल्लाह ताला ने हमें रहने के लिए कितनी हसीन जमीन बनाई और उसको किससे सजाया, उसको बुलंदो बाला पहाड़, दरिया, सूरज, चांद, बुलंदो बाला पहाड़, दरिया, बाग, फूल, सब्जा, इस सबसे सजाया। जिनको देखकर, इस सब्जे को देखकर जब हम किसी भी बाग में जाते हैं, कोई अच्छा नज़ारा देखते हैं, कोई सब्जा देखते हैं, फूल देखते हैं, फल दरख्त देखते हैं, पत्ते देखते हैं तो हमें कैसा लगता है? हमारी आंखों को एकदम सुकून लगता है, जैसे हम बहुत खूबसूरत जगह पर आ गए हों। इसके बाद है, दरख्तों से जीनत जमी को अता की, हसी बेल बूटों से रौनक बढ़ाई, ये जाड़ा, ये गर्मी, ये बारिश का मौसम, ये सूरज की किरणें, ये तारों की चमचम। इस शेर में शायर क्या कह रहा है कि जमीन जो है, जमीन की खूबसूरती कौन बढ़ाते हैं, उसकी जीनत कौन बढ़ाते हैं? दरख्त। आप किसी भी जगह, ऐसी जगह चले जाएं जहां बे इंतहा दरख्त हैं, सब्जा है, फूल हैं, पत्ते हैं, तो आप खुद ब खुद वहां पे अच्छा महसूस करते हैं।
बिल्कुल इसी तरह से हंसी बेल बूटों से रौनक बढ़ाई, यानी ये जितनी भी कायनात में खूबसूरती नजर आती है ये सब अल्लाह ताला की ही बनाई हुई है। इसी तरह से बदलते मौसम, सारा साल एक मौसम नहीं रहता, बदलते मौसम ये जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। यानी ये जाड़ा, ये सर्दी, सर्दी गर्मी, ये बारिश का मौसम, ये सारे मौसम अल्लाह ताला ने इंसानों के फायदे के लिए ही बनाए, इनमें से कोई भी मौसम ऐसा नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाए। ये सूरज की किरणें, ये तारों के चमचम, जब सूरज की किरणें, सूरज सुबह के वक्त तुलू होता है, आप उसका नजारा करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत सूरज की किरणें बनाई है कि पूरे जग को, पूरी दुनिया को रोशन करती है। और जब हम रात को देखते हैं तो तारों की जो चमक है वो हमारी आंखों को कितनी ठंडक पहुंचाती है। जमीन पे फलक का हसी शामियाना, खुदाई का ये खुशनुमा कारखाना, दरिंदे चरिंदे परिंदे ये हैवान, ये जिन्नो मलक और ये नौए इंसान। इस शेर में अल्लाह ताला अपनी मखलूकात का जिक्र कर रहा है और इसमें इंसान के जो हम जैसे इंसानों को तो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया ही है, लेकिन इंसानों के अलावा अल्लाह ताला ने ये दरिंदे यानी हैवान, पौधे, चरिंद परिंदे, ये सब अल्लाह ताला के ही मखलूक हैं। और इनके साथ साथ इंसानों के साथ साथ किसका जिक्र हो रहा है? जिन्नों का जिक्र हो रहा है। जी हाँ, जिन्नात भी जो क्या है वो भी अल्लाह ताला की एक मखलूक है और अल्लाह ताला ने उनको आग से बनाया है। तो अल्लाह पे क्या जिक्र कर रहा है कि जमीन पे फलक, फलक किसे कहते हैं? आसमान को। तो जब जमीन पे हम देखते हैं तो आसमान जैसी छत बनाई है और उस पर खूबसूरत चांद और तारों से उसको, उस छत को क्या किया है? डेकोरेट किया है। खुदाई का ये खुशनुमा कारखाना, जब हम दुनिया में नजर डालते हैं बेहद खूबसूरत नजारे नजर आते हैं तो हमें कैसा लगता है? हमें ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला इसका बनाने, जब ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इसके नजारे इतने खूबसूरत है, तो ये बनाने वाला कितना खूबसूरत, कितना हसीन होगा। मिली है जिसे भी यहाँ जिंदगानी, तेरा फजल है ये तेरी मेहरबानी, खिलाना पिलाना बनाना मिटाना, हंसाना रुलाना सुलाना जगाना। शायर यहाँ पे क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला ने जिस जिस मखलूक को जिंदगी अता की है ये सब उसकी मेहरबानी है, उसका फजल है। अगर वो हमें ये जिंदगी ना अता करता तो हम इस दुनिया में ना आते। और अल्लाह ताला ही रिस्क देने वाला है, खिलाना पिलाना यानी अल्लाह ताला ही हमें खिलाता पिलाता है, कोई और हमें नहीं खिला पिला सकता, बल्कि वो ही हमारा क्या है? राजिक है। इसी तरह से कभी हमें खुशी मिलती है और कभी रुलाना, यानी क्या मतलब है इसका कि कभी जिंदगी में खुशियां आती हैं और कभी रंज, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन हमारी जिंदगी तमाम रौनक है किसके दम से है? अल्लाह ताला के दम से। आज इसके बाद जो शेर है इसमें देखिए, इसमें शायद क्या कर रहा है? दुआया अंदाज इख्तियार कर रहा है, यानी वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है। तेरे हाथ में है हर एक काम मौला, है सब तेरे बंदे, तू मालिक है सबका, शबो रोज तुझसे हमारी दुआ है, यही मुद्दुआ है यही इल्तिजा है। अब शायद क्या दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हर काम की इब्तिदा और इंतहा अल्लाह ताला की होती है, अल्लाह ताला की ही मर्जी से होती है, हर काम में उसकी एक मसलहत होती है और हम सब उसके क्या है? यहाँ पर शायद आजजी दिखा रहा है अपनी कि हम सब क्या है? उसके बंदे हैं और वो हमारा मालिक है और हमें उसी की क्या करनी चाहिए? उसी का कहना मानना चाहिए। शबो रोज तुझसे हमारी दुआ है, हम दिन रात ये तुझसे दुआ करते हैं। और हमारी दुआ मतलब मकसद, यानी हमारी जिंदगी को क्या मकसद होना चाहिए? कि हम अल्लाह ताला की ही अताअत और मोहब्बत करें और उसी से जो मांगना है उसी के आगे अपना सर को सिद्ध को दिखाएं। हमेशा हमें राह सीधी चलाना, अदब सारी दुनिया को हमको सिखाना। अब शायद दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला को हमेशा हमें उस रास्ते पे चलाना जो कि नेकी का रास्ता है, जो सच्चा रास्ता है। और हमें दुनिया में ना हमारे अखलाक इतने अच्छे हो जाए कि हम सारी दुनिया में पहचाने जाएं कि ये मुसलमान है। तेरी अजमतों के सदा गीत गाएं, तेरी याद की दिल में शमा जगाएं, यानी हम हमेशा तेरी ही इबादत करें और तेरी ही हमदो सना बयान करें, यही हमारी जिंदगियों का मकसद होना चाहिए। जी तो ये आपकी तशरी थी और उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गई होगी। अब जरा हम कुछ मुश्किल अल्फाज के मायने देख लेते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम दोबारा दोहराते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से उसके मायने समझ में आ जाए। जी पहला लफ्ज है यकता, इसके मायने क्या? अकेला, बेबिसी। इल्तिजा, गुजारिश या दरख्वास्त।
जलवा फिगर नमोदार या जाहिर होना, मुदा मतलब या मकसद, खुर्शीद सूरत, जीनत खूबसूरती सजावट, बाला ऊंचा या बुलंद, अजमतों यानी अजमत की जमाए बड़ाई से कहते हैं, फजल का मतलब है मेहरबानी। तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफी है, और आज का जो आपका होमवर्क है वो क्या है, वो ये है कि आप सवाल नंबर डाल देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है हम में दी हुई अल्लाह ताला की सफा नंबर 3 में देखिएगा, सवाल नंबर है हम में दी हुई अल्लाह ताला की तखलीकात में से 5 के नाम और इनके बारे में दो दो जुमले लिखिए। कोई मुश्किल बात नहीं है, अभी हमने कितनी सारी, अगर हम ये पढ़ेंगे तो कितनी सारी अल्लाह ताला की मखलूकात का जिक्र है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 5 अल्लाह ताला की तखलीकात यानी जो अल्लाह ने पैदा किए हैं उनकी सिर्फ 5 के बारे में नाम लिखना है, और बस एक एक जुमला लिख दीजिए, दो दो जुमले लिखने की जरूरत है। उम्मीद है कि आप लोग होमवर्क भी करेंगे, और आपकी जो वर्कशीट है वो आपको इंशाल्लाह थर्सडे का दिन दिया गया है ना वर्कशीट का, तो कल आके अपनी वर्कशीट उर्दू की ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।